हेलो दोस्तों, आज के वीडियो में मैं आपको ये बताने वाला हूँ कि जब हम लोग फॉरेन जाते हैं तो हमें करेंसी की ज़रूरत पड़ती है, तो हम कहाँ से करेंसी एक्सचेंज करा सके, उसे फॉरेक्स बाई भी कहते हैं, तो किस वेबसाइट से हमें लेना चाहिए। तो आज हम आपको यही बताने वाले हैं कि कौन से वेबसाइट पे आपको जीरो कन्वेंस फी लगेगा और मिनिमम कम से कम 200 या 300 रुपये एक्सचेंज चार्ज लगेंगे। तो आज हम इन सब चीज़ों पे डिस्कस करते हैं और आपको ले चलते हैं उस पर। तो दो तीन दिन तो आइए देखते हैं फिर करेंसी कहाँ से हम लोग को चेंज करना चाहिए। तो यहाँ पे जैसे कि आप देख रहे हो, हम एक फॉरेक्स बाई करके हमने गूगल में टाइप किया है। जब आप ये टाइप करोगे तो आपको बहुत सारे वेबसाइट आ जाएंगे, रिकमेंडेड आ जाएंगे, आप जहाँ से फॉरेक्स बाई भी कर सकते हो और सेल भी कर सकते हो। सेल कहने का मतलब है जो पैसा आप बाहर अदर कंट्री से अर्न करते हो उसे जब इंडिया में लेके आते हो तो उसे सेल करते हैं। जैसे कि आप घूमने गए, कुछ पैसे बच गए तो आप वापस आके जहाँ से खरीदे हो वहाँ से सेल कर सकते हो। तो यहाँ पे आप देख रहे हो थॉमस कुक, ये सभी लोग जानते हैं जिनके जिनके पास पासपोर्ट है, बिकॉज ये मतलब सबसे ओल्डेस्ट और ये ऑथराइज डीलर है, ये बहुत सारा टूर एंड ट्रेवल सब जगह है। तो मैं आपको ये सजेस्ट मैं नहीं करूँगा क्योंकि मैं यहाँ से नहीं लिया हूँ, लेकिन ये बहुत अच्छा है, मैं इसके बारे में भी आपको बताऊँगा। तो आइए मैं देखता हूँ, मैं आपको दिखाता हूँ कि मैं कहाँ से अपना करेंसी एक्सचेंज कराया हूँ कम से कम अमाउंट में। तो ये आपने देखा, मैं दूसरा जो मैं आपको बताने वाला हूँ वो आप यहाँ पे देखोगे, यहाँ पे देखोगे एक्स ट्रेवल मनी, तो हमने यहाँ से करवाया था। तो जैसे कि ये इसका वेबसाइट है, देखिए। तो जैसे कि आपको हम जैसे कि मलेशिया का ही वीडियो इसमें अपलोड कर रहे हैं, तो जैसे कि मैं आपको बता देता हूँ कि यहाँ पे अभी मलेशिया का करेंट क्या चल रहा है। आप यहाँ पे जब जालोगे तो ये आपका आ जाएगा। अभी आप देख रहे हो 10,510.38 इंडियन रुपीज़ का 600 मलेशियन रिंगिट होता है। तो अब आप यहाँ पर देखोगे, यहाँ पे आया तो अब आप यहाँ पे आपको ऑप्शन मिलेगा फॉरेक्स कार्ड का और करेंसी नोट का। फॉरेक्स कार्ड एक तरह से बहुत ही सेफ होता है, पर इसमें सर्विस चार्ज कुछ ज़्यादा होता है, $5 तक आपको सर्विस चार्ज बाहर में देने होंगे। तो ये कुछ शॉर्ट टर्म के लिए अगर आप जा रहे हो घूमने तो मैं कार्ड नहीं बोलूँगा, लेकिन अगर आप फैमिली के साथ जा रहे हो तो कार्ड ही लेना। वैसे करेंसी में अब आपको बताता हूँ, करेंसी में लेना है जैसे कि मैं मलेशिया जा रहा हूँ तो मलेशियन रिंगिट है हमने डाला, मुझे 600 चाहिए कैश, हमने यहाँ 600 डाला। अब आप देख रहे हो अप्रोक्स अमाउंट यहाँ पे दिखाया जा रहा है ₹10,752 यहाँ से हमने लिया था। जब आप इसका गेट रेट पे करोगे तो इस तरह का आपको दिखाएगा। अब आपको बोल रहे हैं चूज योर लोकेशन, तो जैसे कि आप मान लो दिल्ली में हो तो आप यहाँ पे दिल्ली डाल दो, और आप ये दिल्ली में जितने भी सेंटर है ये सारे डाल दो, आपके नियर बाई क्या है ये। अब आप यहाँ पे देख रहे हो ये रेट आ गया हर जगह का, ये अभी गूगल ये करेंट सेंसेक्स है, पर इसके हिसाब से कोई भी नहीं देगा क्योंकि वो लोग जब ऑफिस खोल के रखे हैं तो उन्हें कुछ तो इनकम होना चाहिए। करेंट सेंसेक्स अभी जो चल रहा है मार्केट में ये चल रहा है, पर इसके हिसाब से हम लोग को कोई बेनिफिट नहीं मिलने वाला, कस्टमर के लिए ये नहीं है। तो आप देख रहे हो जैसे कि 600 मलेशियन रिंगिट का 10,510 है, और जब आप यहाँ देखते हो तो 10,836 है, तो अप्रोक्स 300 आपको एक्स्ट्रा यहाँ पे है। जैसे कि आप देख रहे हो ये अलग अलग जब ब्रांच पे जाओगे तो ये वेरी करते जाएगा अलग अलग जगह पे। तो मैं आपको ये सजेस्ट करूँगा फर्स्ट नंबर पे, ये बहुत ही ईजी है। इसके बाद जैसे कि आप मान लो आपके नियर बाई जैसे कि मान लो बारह खंबा रोड है तो आप इसे सेलेक्ट करोगे, जब इसे आप सेलेक्ट करोगे तो ये अभी खुलेगा, तो आप देख रहे हो कि ये खुल गया। तो अब आपको यहाँ पे अब आप अपना नाम डाल दो, लास्ट नेम डाल दो, ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर डाल दो, आपको आपको जो पेमेंट है वो कैश से बैंक ट्रांसफ़र पेमेंट गेटवे, तो आप बैंक ट्रांसफ़र से कर सकते हो अगर आप इंटरनेट बैंक यूज कर सकते हो। तो मैं यही यूज मैं तो बैंक ट्रांसफ़र से ही उन्हें पेमेंट किया था और कैश जाकर लिया था। ये हो गया आपका ट्रेवल डेट हो गया,
इतना हो गया, आपको इतना पेमेंट करना पड़ेगा। यहाँ पे आप देख रहे हो कि इसका ट्रांजेक्शन फ़ी है 59 रुपीज़, और GST गुड एंड सर्विस टैक्स है, ये तो रहेगा ही। हाँ, यहाँ पे एक और फैसिलिटी इसमें भी है, ये तो सब में है, डोर डिलीवरी भी होता है। अब कुछ भी नहीं करना है, अब आप यहाँ पे कंफर्म करके ऑर्डर जब प्लेस करोगे। हाँ, एक और चीज़, जब आप करेंसी एक्सचेंज करोगे तो ये सारी डिटेल आपके पास होना चाहिए। इससे रिलेटेड मैं आपको वीडियो बना चुका हूँ, जैसे कि इंडियन पासपोर्ट होगा तभी कोई बाहर जाएगा, जाहिर सी बात है। सेकेंड, आपका कन्फर्म एयर टिकट है, इसके लिए भी मैं वीडियो बना चुका हूँ। और पैन कार्ड तो होगा ही आपके पास, अगर नहीं भी है तो कोई इशू नहीं है, क्योंकि पैन कार्ड की जगह अगर आपका इंडियन पासपोर्ट काम करता है। और वैलिड वीज़ा, इस पर भी हमने वीडियो बना रखा है। तो मैं ओवरऑल आपको यही सजेस्ट करूँगा कि आप जब भी बाहर जाओ, तो जब भी आपको फॉरेन जब एक्सचेंज करना हो, बाई करना हो, तो आप एक्स्ट्रा ट्रेवल मनी पे आप कर सकते हो। इसके बाद अगर मैं आपको सजेस्ट करूँगा तो जाहिर सी बात है थॉमस कुक ही करूँगा, क्योंकि थॉमस कुक ही मार्केट में, ये तो खैर सबसे ओल्डेस्ट है और ये ज़्यादा ऑथराइज भी है। ऑथराइज तो ये भी RBI से सारे ऑथराइज है, आप ये चीज़ का याद रखिएगा। इसके बाद आपको मैं थॉमस कुक करूँगा, क्योंकि ये तो बेस्ट है, मैं आपको ये पहले बता रहा हूँ, ये ओल्डेस्ट है, ये टाई अप है इंडियन गवर्नमेंट के साथ। जब आप पासपोर्ट लेने जाओगे तो आपको वहाँ पर पूछा भी जाता है कि क्या आप थॉमस कुक के साथ उसका कोई भी सब्सक्राइब करना चाहते हो टूर एंड ट्रेवल के लिए या नहीं करना चाहते हो, तो ये तो है ही। पर अगर आप कम से कम मनी अमाउंट खर्च करना चाहते हो तो एक्स्ट्रा ट्रेवल मनी पे ही आप एक्सचेंज करना, ये मैं अपना सजेशन दे रहा हूँ आपको। आप यहाँ से भी ले सकते हो, जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हो 11,010 रुपीज़ है, और आप यहाँ पे देख रहे हो 10,940 रुपीज़ है। ये ओवरऑल अमाउंट है, ये टोटल अमाउंट है, इसके अलावा आपको कुछ भी नहीं देना पड़ेगा। अब आप, मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ, यहाँ पे क्या होता है, जब यहाँ पे आप गेट कोटा करोगे तो यहाँ पे आपको अप्रॉक्स 100 रुपीज़ एक्स्ट्रा देने पड़ेंगे सर्विस टैक्स और कन्वेंस चार्ज। तो आपको यहाँ पे हो जाएगा 11,010 रुपीज़ हो जाएगा, और जब आप यहाँ पे कंपेयर कर रहे हो तो 10,940 रुपीज़ हो जाएगा, लगभग आपको 150 रुपीज़ का यहाँ पे आपको बेनिफिट हो रहा है। तो थॉमस कुक अच्छा है, कोई बुरी बात नहीं है, पर मैं तो आपको वही सजेस्ट करूँगा। आई होप आप समझ गए होंगे जो मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ। अगर बाय द वे अगर आप नहीं समझोगे तो आप कमेंट कर सकते हैं।